शुरू करने वाले हैं सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन। सरल रेखा आपकी 3D ज्यामिति यानी त्रिविमीय ज्यामिति से रिलेटेड ही आपका एक टॉपिक है, लेकिन आपके केसी सिन्हा बुक में यह एक चैप्टर के रूप में दिया गया है। वैसे हम लोग क्लास 11 में भी सरल रेखा के बारे में पढ़े थे, क्लास 11 में भी हम लोग सरल रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं तथा इनके समीकरणों और कुछ इनके गुण धर्मों के बारे में भी पढ़े थे। हमने देखे थे ना किसी रेखा का समीकरण जब वो दिए हुए बिंदुओं से गुजरे या x अक्ष y अक्ष पर अंतःखंड दिया हो। हम लोग कई प्रकार से सरल रेखा का समीकरण क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। तो वहां जो हम लोग सरल रेखा का समीकरण देख रहे थे वो द्विविमीय ज्यामिति के रूप में था, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग 3D ज्यामिति की बात कर रहे हैं। चलिए तो 3D ज्यामिति में किस तरह से सरल रेखा का निरूपण करेंगे, उसका समीकरण क्या होगा, इन्हीं सब चीजों की चर्चा हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए आपका ये त्रिविमीय तल हो गया, ये x अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया और ये जेड अक्ष हो गया, ठीक है। ये आपका कार्तीय तल देख रहे हैं ना, त्रिविमीय कार्तीय तल है। मैं क्या करता हूं कि यहां आकाश में कोई रेखा खींच देता हूं, आकाश में कोई रेखा खींच देता हूं। अब इस रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे या क्या क्या दिए रहने पर हम इस रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, इन्हीं सब चीजों की चर्चा हम लोग यहां पर करने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास 11 में हमारा अलग जो आप सरल रेखा पढ़ रहे थे वहां पर द्विविमीय ज्यामिति के अंदर देखते, लेकिन यहाँ पे हम लोग त्रिविमीय ज्यामिति के अंदर यानी 3D ज्यामिति के अंदर देखने वाले हैं, यानी कि जब कोई रेखा आकाश में गुजरेगी, ठीक है, तो उसका समीकरण कैसे ज्ञात किया जाएगा, इन्हीं सब चीजों की चर्चा करने वाले हैं। तो हम इसे तीन प्रकार से देखेंगे, किसी रेखा के बारे में, किसी रेखा के समीकरण के बारे में, आकाश में जब वह रेखा गुजरेगी तो उसे हम लोग तीन प्रकार से यहां देखने वाले हैं। कोई रेखा आकाश में, आकाश यानी कि स्पेस में निश्चित होगी यदि पहला कंडीशन क्या है, यदि यह एक दिए हुए बिंदु से गुजरे तथा एक दी हुई रेखा के समांतर हो, तो उस रेखा का समीकरण हम लोग निर्धारित कर सकते हैं, वह रेखा निश्चित हो सकती है आकाश में, यानी कि वह दिए हुए किसी एक बिंदु से गुजरे और वह किसी दी हुई रेखा के समांतर हो, तब हम लोग उसका समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, उसको दर्शा सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, यह यानी कि जो रेखा है यह दो दिए हुए बिंदुओं से गुजरे, यानी कि किसी रेखा का समीकरण आकाश में ज्ञात करने के लिए अगर हमें रेखा पर स्थित दो बिंदु पता हो, यानी कि रेखा किसी दो बिंदुओं से गुजरे, दिए हुए दो बिंदुओं से गुजरे, तो हम उसका समीकरण आकाश में ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है, यदि जो रेखा हो यानी लिख सकते हैं यह दो असमांतर समतलों का छेदन रेखा हो, यानी कि दो असमांतर तल जो दिए होंगे उनका छेदन रेखा होगा, तब भी हम लोग उसका समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इनसे इन असमांतर तलों को छेदते हुए जाए, आर पार होते हुए जाए, तो तब भी हम लोग उस रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहां समतल की बात हम लोग अगले चैप्टर में करने वाले हैं, तो फिलहाल हम लोग इन दोनों के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। कब समीकरण हम लोग निकाल सकते हैं, कि जब एक रेखा दिए हुए बिंदु से गुजरे और उस रेखा के समांतर कोई रेखा दी गई हो, या वह रेखा दो दिए हुए बिंदुओं से गुजरे, तब हम लोग उसका समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। चलिए तो एक एक करके दोनों के बारे में देख लेते हैं, उसका समीकरण क्या होगा इसके बारे में पता कर लेते हैं। चलिए तो पहला कंडीशन लेके चलते हैं, एक बिंदु से जाते हुए एक सदिश के समांतर रेखा का समीकरण, ठीक है। मान लेते हैं माना बिंदु
बिंदु ए से जाने वाली तथा दिए गए सदिश मान लेते दिया गया सदिश वेक्टर बी है के समांतर रेखा एल है, ये हम लोग मान लेते हैं। चलिए अब मैं यहां पे आपका कार्तीय तल लेता हूं, त्रिभुज में कार्तीय तल लेता हूं, एक्स अक्ष वाई अक्ष और ये जेड अक्ष हो जाएंगे, ठीक है। यहां पे हम लोग दर्शा देते हैं, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये आपका जेड अक्ष। मैं यहां पे देख रहा हूं कि एक बिंदु है ए, ठीक है, इस बिंदु से कोई रेखा जा रही है, ठीक है, वह रेखा एल है और जो दिए गए सदिश बी के समांतर है। ये मान लेते हैं कि यहाँ पे इस वेक्टर बी के समांतर यह रेखा जा रही है, रेखा इसका नाम देते हैं एल, जो बिंदु ए से गुजर रही है और दिए हुए सदिश के समांतर है, जैसा कि मैंने यहां पे लिखा है। तो हमारे पास दो ही चीज दिया हुआ है, एक बिंदु दिया गया है जिसे वह रेखा गुजर रही है और वह दिए हुए एक सदिश के समांतर है। तो इस रेखा एल का समीकरण क्या होगा, इसी के बारे में हम लोग यहां बात करने वाले हैं, समझ गए ना। मान लेते हैं कि इस पे एक और बिंदु है P, यहां पे मान लेते हैं, ठीक है, ये मान लिए कि हमारे पास एक बिंदु क्या है, P है। माना बिंदु P रेखा L पर स्थित है, जिसका स्थिति सदिश वेक्टर आर है। चलिए मैं क्या करता हूं कि यहां से मूल बिंदु से इसको मिला देता हूं और फिर ए को भी मिला देता हूं, ठीक है। तो ये आपका वेक्टर आर हमने माना है और ये बिंदु का स्थिति सदिश हमारे पास दिया गया होगा, जब ये बिंदु दी गई तो स्थिति सदिश भी तो दिया होगा ना, वेक्टर ए, यहां पे ओ देते हैं। चलिए तो वेक्टर ओ ए क्या है, वेक्टर ए के बराबर है और वेक्टर ओपी क्या है, वेक्टर आर के बराबर है, समझ रहे हैं ना बात को, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। अच्छा यहां पे हम लोग कह सकते हैं, यहां पर हम लोग यहां क्या कह सकते हैं जी, कि चूंकि रेखा एल जो है समांतर है वेक्टर बी के, या हम ये भी कह सकते हैं कि वेक्टर एपी जो है ना यह समांतर है वेक्टर बी के, AP जो है समांतर है वेक्टर B के। तो हम लोग जब समांतर होगा तो यह लिख सकते हैं कि वेक्टर AP जो होगा ना बराबर हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B, जहां लैम्डा क्या है, एक वास्तविक संख्या है, लैम्डा बिलोंग्स टू R, कुछ भी हो सकता है, 2 4 5 8 1 -2 -5 कुछ भी हो सकता है, समांतर के लिए ना हम लोग कंडीशन जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा मैं कहूं कि वेक्टर AP बराबर में बताइए क्या होगा, तो हम लोग P के स्थिति सदिश में से ए का स्थिति सदिश घटा लेंगे, ऐसे ना लिखेंगे, तो वेक्टर एपी लैम्डा वेक्टर बी हो जाएगा, वेक्टर ओपी वेक्टर आर है और वेक्टर ओए जो है वेक्टर ए के बराबर है, यानी कि यहां से वेक्टर आर बराबर में हो जाएगा वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। तो यह आपके रेखा का समीकरण प्राप्त हो गया। तो जब कोई दी हुई बिंदु से रेखा गुजरेगी और दिए हुए सदिश के समांतर होगी तो उसका समीकरण ये हो जाएगा, तो ये वेक्टर रूप में हो गया। अब इसका कार्तीय रूप देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका कार्तीय रूप देखते हैं, यहां पर कार्तीय रूप यानी कार्टीशियन फॉर्म। तो कार्टीशियन फॉर्म में जैसे ये ए आपका बिंदु है तो इसका निर्देशांक कुछ दिया होगा ना, x1 y1 z1, तो यहां से आप वेक्टर ओए बराबर में क्या कह पाओगे, तो कहोगे कि सर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, यही ना होगा इसका स्थिति सदिश, ए बिंदु का स्थिति सदिश हो जाएगा। अच्छा अगर हम P बिंदु का कोई निर्देशांक ले ले x y z, ये अज्ञात होगा, इसी के रूप में हमें समीकरण दिखाना होगा, तो ओपी बराबर में कहोगे कि सर x i कैप प्लस yj कैप और प्लस में z k कैप, और यहां पे ये भी मान लेते हैं कि आपका जो वेक्टर बी है वह बराबर है
ए आई कैप, बी जे कैप और प्लस सी के कैप। अरे कुछ दिया होगा ना, जो वेक्टर दिया होगा वो कुछ दिया होगा उसका मान, तो मान लेते हैं कि यह दिया हुआ है। अब हम लोग इसी में उसको रख देते हैं, तो इसलिए वेक्टर आर, आर के जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर में वेक्टर ए यानी एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप और प्लस में लैम्डा वेक्टर बी यानी कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप हो जाएगा। इस सबको इधर लाते हैं तो घटाएंगे और आई आई वाले में से आई वाला कॉमन हो जाएगा, जे वाले में से जे, के वाले में से के, तो बच जाएगा आपका एक्स माइनस एक्स वन आई कैप, वाई माइनस वाई वन जे कैप और जेड माइनस जेड वन के कैप इक्वल टू में लैम्डा ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब ये लैम्डा इस सब में गुना कर देते हैं, एक्स माइनस एक्स वन आई कैप, वाई माइनस वाई वन जे कैप और जेड माइनस जेड वन के कैप इक्वल टू में लैम्डा ए आई कैप लैम्डा बी जे कैप लैम्डा सी के कैप। तो यहां पे आई वाला कंपोनेंट आई वाले का अधिश घटक के बराबर, जे वाले का अधिश घटक जे वाले के और के वाले का के वाले के बराबर करेंगे, तो हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन लैम्डा ए, वाई माइनस वाई वन लैम्डा बी, जेड माइनस जेड वन लैम्डा सी। चलिए ये जाएगा भाग में, तो एक्स माइनस एक्स वन बटा ए बराबर में लैम्डा, वाई माइनस वाई वन बटा बी आ जाएगा उधर लैम्डा कर देते हैं और जेड माइनस जेड वन बटा सी आ जाएगा उधर लैम्डा कर, तो तीनों लैम्डा के बराबर हो रहा है, तो इसलिए यहां लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स वन बटा ए, वाई माइनस वाई वन बटा बी और जेड माइनस जेड वन बटा सी, यह आपके रेखा का समीकरण हो जाएगा। किस रूप में, तो ये कार्तीय रूप में हो जाएगा और ऊपर जो बताया था मैंने वेक्टर रूप में होगा। तो यहाँ पे ये एक्स वन वाई वन जेड वन एक बिंदु दिया गया होगा जिसे वह रेखा गुजरेगी और दिया हुआ सदिश जो था आपका एक्स ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप जिसके समांतर आपकी रेखा है, तब उसका कार्तीय रूप में ऐसे समीकरण हम लोग याद रखेंगे और इसी पे हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले हैं। चलिए तो अब देखिए इसमें थोड़ा सा एक और एक उपप्रमेय इसका देख लेते हैं। ये तो आपका एक रेखा का समीकरण हो गया जो आकाश में स्थित है, कहीं पे भी हो कहीं पे आकाश में स्थित एक रेखा है जो किसी बिंदु से गुजर रही है जिसका निर्देशांक दिया है हमारे पास एक्स वन वाई वन जेड वन, ठीक है, और दिए गए सदिश के समांतर है, उसके लिए हम लोग ये समीकरण लिखे, ठीक है। अब मान लो मुझे इस रेखा पर ही इस बिंदु, इस दिए गए बिंदु से r इकाई दूरी पर, r इकाई दूरी पर स्थित बिंदुओं के नियामक निकालने, मतलब कि इधर से r इकाई, मान लो यहां पर एक कोई बिंदु है तो r इकाई इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, तो यहां पे दो बिंदु हो जाएंगे ना, एक b ले लेता हूं और एक b डैश ले लेता हूं, तो इन दोनों के निर्देशांक कैसे हम लोग याद करेंगे इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो अगर मैं इस बिंदु को, इस बिंदु b को x y z मान लेता हूं, x y z मान लेता हूं, x y z मान लेता हूं, ठीक है, तो मैं इन इस बिंदु और इस बिंदु के अनुसार चलूंगा तो रेखा का समीकरण क्या होगा, x माइनस एक्स वन बटा में ये वेक्टर b जो दिया होगा उसके कंपोनेंट अधिश घटक यानी a, y माइनस वाई वन बाई बी जेड माइनस जेड वन बाई सी, ऐसे नए ना लिखेंगे हम लोग और इक्वल में ले लेंगे r। अब अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा x माइनस एक्स वन बटा ए बराबर r, y माइनस वाई वन बटा बी बराबर में r और जेड माइनस जेड वन बटा सी बराबर में r। ये जाके इसमें गुना करेगा, ये जाएगा प्लस में, तो x बराबर में हो जाएगा क्या हो जाएगा x1 प्लस ए आर, वाई बराबर में हो जाएगा आपका वाई वन प्लस बी आर, जेड बराबर में हो जाएगा आपका जेड वन प्लस सी आर, यानी कि ये इस बिंदु का निर्देशांक हमें प्राप्त हो गया, एक क्या हो जाएगा एक्स वन प्लस ए आर, वाई वन प्लस बी आर और जेड वन प्लस सी आर,
ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं कि सरल रेखा x माइनस एक्स वन बट्टा ए, वाई माइनस वाई वन बट्टा बी, जेड माइनस जेड वन बट्टा सी पर बिंदु ए जिसका निर्देशांक क्या है एक्स वन वाई वन जेड वन से आर दूरी पर दो बिंदु हो जाएगा ना, एक तो यह हो जाएगा और दूसरा बिंदु उधर हो जाएगा, दो बिंदुओं के निर्देशांक एक होगा x1 वन प्लस ए आर, वाई वन प्लस बी आर, जेड वन प्लस सी आर तथा x1 वन माइनस उधर हो जाए ना अपोजिट में, तो x1 वन माइनस ए आर आ जाएगा है ना, सॉरी कॉमन y1 वन माइनस बी आर और z1 वन माइनस सी आर होगा। ठीक है, अगर यानी कहने का मतलब है कि अगर रेखा पर स्थित एक बिंदु दिया हो और उस बिंदु से r इकाई दूरी पर हमें स्थित बिंदुओं को निकालना होगा, उनके निर्देशांक को निकालना होगा, तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा अगर ये भी याद रखना कि यदि 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 रेखा रेखा बिंदु x1 y1 z1 से गुजरे तथा एक सदिश के समांतर हो जिसका दिक कोसाइन या कोजियाएं एल एम एन हो, तो रेखा का समीकरण जो दिक अनुपात था ना वहां पे अब एल एम एन आ जाएगा, यानी कि एक्स माइनस एक्स वन बटा एल, वाई माइनस वाई वन बटा एम और जेड माइनस जेड वन बटा एन, ये हो जाएगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे दो दिए हुए बिंदुओं से गुजरती हुई रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। दो दिए हुए बिंदु से जब रेखा गुजरेगी तो उसका समीकरण क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो पहले एक त्रिभुज में तल ले लेता हूं मैं एक्स वाई जेड, ये ठीक है, चलिए यहां पे दर्शा देते हैं, यह आपका x हो जाएगा, यह y हो जाएगा और यह आपका z हो जाएगा। मैं इस समतल यहां पर दो बिंदु ले लेता हूं आकाश में, एक a ले लेता हूं जिसका निर्देशांक भी मान लेते हैं हम लोग x1 y1 z1, निर्देशांक इसलिए मैं मान ले रहा हूं अभी ताकि आगे मुझे इसका कार्तीय रूप भी तो दिखाना होगा ना, x2 y2 z2, और वेक्टर रूप के लिए मुझे क्या करना होगा यहाँ पे इसे इनका पोजीशन वेक्टर लेना होगा। इन दोनों बिंदुओं से गुजर रही है कोई रेखा, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं से कोई रेखा गुजर रही है और इसी रेखा का हमें समीकरण निकालना है। ठीक है, अच्छा ये दो बिंदु है तो इनका कुछ पोजिशन वेक्टर होगा ना, चलिए इनका पोजिशन वेक्टर भी कुछ यहां पर हम लोग ले लेते हैं। तो ए बिंदु का पोजिशन वेक्टर वेक्टर ए ले लेता हूं और बी बिंदु का पोजिशन वेक्टर जो है वेक्टर बी ले लेता हूं। मैं इस रेखा पर एक और अन्य बिंदु ले लेता हूं पी जिसका निर्देशांक यहां पे मान लेते हैं एक्स वाई जेड और जिसका स्थिति सदिश पोजिशन वेक्टर जो है वेक्टर आर है। ठीक है, तो हमारे पास यहां दो बिंदु दिए गए हैं एक्स वन वाई वन जेड वन और एक्स टू वाई टू जेड टू, ए और बी, ये दो बिंदु दिए गए हैं ये हमने माना है। ठीक है, माना एक रेखा दो दिए गए बिंदुओं ए एक्स वन वाई वन जेड वन तथा बी एक्स टू वाई टू जेड टू से गुजरती है
जिसका स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर ए और वेक्टर बी है, पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी है। मान लेते हैं पी रेखा पर स्थित, पी रेखा पर स्थित एक बिंदु है जिसका स्थिति सदिश वेक्टर आर। अच्छा, संरेख के लिए या समांतर के लिए एक ही कंडीशन होता है। अगर मैं यहां पे मैं इस तरह से कहूं कि वेक्टर ए पी लैम्डा टाइम्स होगा वेक्टर ए बी का लैम्डा टाइम्स होगा, क्योंकि देख रहे हैं ना यहां पे संरेख है, चूंकि ए पी बी संरेख है तो संरेख है तो ये लिख सकते हैं ना जी, वेक्टर ए पी लैम्डा टाइम्स हो जाएगा वेक्टर ए बी के, हो जाएगा। चलिए ए पी का क्या होगा, तो आपको करना होगा कि पी के स्थिति सदिश में से ए का स्थिति सदिश घटाना होगा, और ए बी का मतलब बी के स्थिति सदिश में से ए का स्थिति सदिश घटाना। ये वेक्टर आर है, ये वेक्टर ए है, इधर होगा वेक्टर बी और यहाँ वेक्टर ए। यहाँ लेमडा क्या है, तो लेमडा एक रियल नंबर है, मैं लिख सकते हैं कि लेमडा बिलोंग्स टू आर, कोई वास्तविक संख्या है, ये जाकर उधर प्लस का हो जाएगा। तो वेक्टर आर बराबर जाएगा वेक्टर ए प्लस में लेमडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ठीक है। लेमडा किसे बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो वेक्टर रूप में रेखा का समीकरण हो गया जब वो दो दिए हुए बिंदुओं से गुजरे। चलिए यहां पर अब बताइए, अब मैं कार्तीय रूप की बात कर लेता हूं, कार्टेशियन फॉर्म की बात कर लेता हूं। तो कार्तीय रूप के लिए आप बताइए, तो वेक्टर ए बराबर में क्या होगा, तो बिंदु इसका दिया गया एक्स वन वाई वन जेड वन, तो यहां जाएगा एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, और वेक्टर बी बराबर में क्या हो जाएगा, एक्स टू आई कैप वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए अब यहां पे और वेक्टर आर बराबर में, तो एक्स वाई जेड लिए थे तो हो जाएगा एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, ये आपके क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, यही दोनों बस दिया होगा, ये और ये दिया होगा, ये हम लोग खुद से लेते हैं, रेखा पर एक बिंदु मुझे लेना होगा तभी ना उसी के रूप में हम लोग समीकरण को दर्शाएंगे। हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इसमें मैं रख रहा हूं प्लस जेड के कैप बराबर में एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर है, तो वेक्टर बी के लिए क्या आएगा, एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप, और माइनस वेक्टर ए है ना, तो वेक्टर ए के लिए ये रहा, तो सबका साइन बदल जाएगा, एक्स वन आई कैप माइनस वाई वन जे कैप और फिर माइनस जेड वन के कैप, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये जो है इधर माइनस में आ जाएगा, प्लस में है इधर आके माइनस का हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन आई कैप कॉमन कर लेते हैं, वाई माइनस वाई वन जे कैप जेड माइनस जेड वन के कैप, और बराबर के इधर देखिए इसमें आई कॉमन कर लेते हैं आई कैप, और ये लेमडा से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो लेमडा एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस लेमडा वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस लेमडा जेड टू माइनस जेड वन के कैप, तो यहां से अब इनके अधिश घटकों को बराबर करेंगे आई कैप वाले के, तो हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू में लेमडा एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन बराबर में लेमडा वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है। अगला है जेड माइनस जेड वन बराबर में लेमडा जेड टू माइनस जेड वन। चलिए अब लेमडा को उधर छोड़ के इसको भाग में ले आते हैं, तो एक्स माइनस एक्स वन बटा में एक्स टू माइनस एक्स वन बराबर में लेमडा,
वाई माइनस वाई वन बटा में वाई टू माइनस वाई वन बराबर में लैम्डा, जेड माइनस जेड वन बटा में जेड टू माइनस जेड वन बराबर में लैम्डा। तो तीनों लैम्डा के बराबर यानी एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, इसलिए दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण यह हो जाएगा। ठीक है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हमने यहां पर ज्ञात कर दिया, समझ गया ना। तो ये कार्तीय रूप में हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह आपके सारे कंसेप्ट दिए गए हैं बुक में, ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही मजा आने वाला है। इसमें सारे फॉर्मूले हैं, सभी फॉर्मूले का अगर मैं प्रूफ करा दूं, बता दूं, तो आपको क्वेश्चन बताने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे संबंधित वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहां पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स को, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।